जय जगन्नाथ। अगर आपको कोई रो और कॉलम को रीसाइज करना है एक्सेल में, उसको कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल फाइल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेबल में मैंने कुछ डाटा एंट्री किया हूँ, और डाटा एंट्री करने के बाद यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि केमिस्ट्री का जो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से क्या है कि मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, सी का कट गया थोड़ा सा और वाई का थोड़ा सा कट गया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसाइज करना पड़ेगा। तो रिसाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये कॉलम में है, रिसाइज करने के लिए आपको कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये कॉलम है, एल कॉलम है, ये एक एम कॉलम है, जब इसका बीच में जब हम लोग ये क्रॉसर को लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का एक तो क्या है कि क्रॉस दिखाई देता है, जब यहाँ पे क्रॉस दिखाई देता है उस क्रॉस को आप क्या कर सकते हो कि एडजस्ट कर सकते हो। जब मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे देखो केमिस्ट्री पूरा पूरा कंप्लीटली लेटर दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं करता हूँ साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊंगा फॉन्ट में और यहाँ पे 16 साइज का मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ साइज, तो यहाँ पे आप क्या देखें कि भाई ये जितना भी नाम है अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद एच कॉलम और आई कॉलम का बीच का जो है उसको आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको क्या होगा कि आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आपका नाम इस तरह का देख सकते हो। तो बाकी जितना भी है मतलब कॉलम है उसको आप देखो कि आपका सही है कि नहीं, केमिस्ट्री वाला यहाँ पे देख सकते हो ये सही नहीं है, तो इसको आप ड्रैग कर सकते हो। तो अगर आपको कोई कॉलम को मतलब रिसाइज करना है, तो उसके लिए आपको जो कॉलम है वो दो कॉलम के बीच में आपको जो पॉइंटर है आपका उसके हिसाब से आपको ड्रैग करना है या छोटा बड़ा करना है, तो तभी जाके आप रिसाइज कर सकते हो। उसी हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे क्या है कि सीरियल नंबर 1 वाला जो लाइन है वो क्या है कि हम लोग का थोड़ा सा कट गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वही आप वही रो को सिलेक्ट करो और देखो कि 102 रो है, 103 रो है, उनके बीच में आपका जो माउस का क्रॉसर है उसको आप सिलेक्ट करो और उसको आप क्या कर सकते हो कि ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने के बाद सॉरी 103 104 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्लियरली यहाँ पे नाम क्लियरली आ गया है। तो जब भी आप फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हो तभी ये प्रॉब्लम आ सकता है, और कभी भी बड़ा बड़ा लेटर मतलब स्टेटमेंट लिख रहे हो वहां पे भी प्रॉब्लम आएगा, तो उसी हिसाब से क्या कर सकते हो कि आप रिसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है अगर आपको रो को रिसाइज करना है उसके लिए आप क्या करना है, होवर ओवर द लाइन बिटवीन द टू रो नंबर्स ऑन द लेफ्ट एंड ड्रैग इट टू द एडजस्ट द हाइट, तो हाइट को उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि एडजस्ट कर सकते हो, तो ड्रैग करना पड़ेगा यहाँ पे जो यहाँ पे आ रहा है इसको हिसाब से आपको ड्रैग करना पड़ेगा। कॉलम के लिए सेम चीज है, दो कॉलम है, दो कॉलम के बीच में आप होवर करें आपका जो माउस का पॉइंटर है उसको आप क्या कर सकते हो कि लेफ्ट और राइट के हिसाब से आप ड्रैग करके एडजस्ट करो, और करने के बाद आपको क्लियरली आप रिसाइज कर सकते हो अपना जो रो है और कॉलम है। अगर वीडियो का अच्छा लगा आज तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है, जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।